वहाँ से जाएंगे तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी समझ सकते हैं ये है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और इस स्टेडियम तक आने की। और वो पूरे रास्ते पर कई जगहों पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ लोग आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हुए हैं। और देखिए आप तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम तक के बीच का जो सफर है वो तय करें। दोनों तरफ से सड़क के दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अभिवादन दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आप देख रहे हैं किस तरीके से फूल जो है पुष्प जो है वो पुष्प की वर्षा की जा रही है। अब मेघना, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो ये जो खेल महाकुंभ है किन मायनों में खास है, क्या इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा युवाओं को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए खेल महाकुंभ ने एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव, गुजरात का जो पूरा खेल का इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया। लोगों की जो युवाओं की रुचि जो है खेल के प्रति और ज्यादा बढ़ गई जब से खेल महाकुंभ का जो सफर है, जो रास्ता है वो बहुत ही धीरे धीरे तय हो पा रहा है क्योंकि काफी संख्या में लोग मौजूद है, अलग अलग जगह पर लोग बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गुब्बारे भी छोड़े जा रहे हैं। और पिछले दो दिनों में 3 रोड शो किए हैं प्रधानमंत्री ने और ये जो 2 दिवसीय दौरा था गुजरात का बेहद कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, जहां आप सीधे तस्वीरें देख सकते हो। ये गजब का उत्साह लोगों में है कि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों से सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री अब उनके बीच से गुजर रहे हैं तो अब लोग उनका अभिवादन पुष्प वर्षा से हाथ हिलाकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये शोर, ये जोश प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बड़ी संख्या में ये फ्लाईओवर से